राम राम जी। क्या हाल सारे का? रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। भाई ये वीडियो खासकर MPSW मेल व MPSW फीमेल व स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए भाई ये खास कर वीडियो भाई ये सभी जो है साथी ध्यान दें और आप सभी के लिए जो है ज़रूरी मैसेज है। भाई जैसा कि आपको पता है कि स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार जो अपने मांगों को लेकर के और तमाम जो है हरियाणा में ख़त्म किए गए, चाहे MPSW मेल के पद हों या फीमेल के हों या MPHS के हों या अन्य पद हों स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, तो उन सभी पदों को जो है बहाल करवाने के लिए और आबादी के हिसाब से नए पद सैंक्शन करवाने के लिए लगातार पुरजोर कोशिशें कर रही हैं, जिसके प्रधान श्री रामर वर्मा जी हैं, वो जो है काफ़ी मेहनती हैं। उनकी मेहनत को जो है हम जो है सैल्यूट करते हैं और हम आशा करते हैं कि वो इसी तरह से जो है अपने जो है लगातार जो है संघर्ष जारी रखेंगे और सभी स्वास्थ्य कर्मचारी व जो MPSW बेरोजगार साथी हैं वो जो है उनका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे और निरंतर जो है उनका साथ हमेशा जो है अग्रणी भूमिका निभाएंगे उनके साथ इस आंदोलन में। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो आज लेटर लिखा है प्रधान श्री रामवर वर्मा जी ने, जो स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के प्रधान हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिखा है और ये लगातार जो 9वां लेटर है और ये जो 10/10/2023 को लिखा है, यानी दिवाली से जो है पहले लिखा है, तो जो आज मेरे पास मेल के माध्यम से पहुंचा तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध MPSW मेल की नियमित भर्ती करने बारे, तो उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सुपरवाइजर हरियाणा पत्र क्रमांक दे रखे हैं और ये 9वां पत्र लगातार 10/10/2023 की निरंतरता में समर्पण पत्र। तो आपकी सेवा में पुनः अनुरोध यह है कि स्वास्थ्य विभाग में MPSW मेल के काफ़ी पद रिक्त होने के बावजूद पिछले कई वर्षों से की गई नियमित भर्ती नहीं हुई है और स्वास्थ्य विभाग में MPSW मेल के काफ़ी रिक्त पद होने से स्वास्थ्य समय प्रभावित हो रही है। तो महोदय, कोविड महामारी व पिछले 2-3 सालों में बढ़ते डेंगू मामलों के मद्देनजर हुई परेशानी को मद्देनजर रखते हुए आपसे अनुरोध है कि MPSW मेल के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती के लिए जनहित व विभागीय हित में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को तुरंत प्रस्ताव भिजवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की कृपया करेंगे, ताकि राज्य की जनता को धरातल स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें। और आशा है कि आप स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा की अपील पर जनहित व विभागीय हित में जो सकारात्मक कार्रवाई करवाने की कृपया करेंगे। धन्यवाद। सहित सतपाल खासा महासचिव स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ। और ये जो एक एक प्रति इनको भी जो है भेजी गई है मुख्यमंत्री महोदय जी को, मुख्य सचिव महोदय जी को और अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग हरियाणा को और महानिदेशक महोदय स्वास्थ्य सेवा प्रोग्राम हरियाणा पंचकूला को, महानिदेशक महोदय स्वास्थ्य सेवा हरियाणा मलेरिया पंचकूला को और श्री विनेश कुमार संयुक्त निदेशक हैं, तो उनको जो है लेटर लिखा गया है। तो भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे प्रधान जी और कल भी जो मेरे प्रधान जी से बात हुई थी कि महासर भर्ती हुई लेकिन क्या कुछ प्रोसेस चल रही है, तो उन्होंने बताया कि अभी तक जो है अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं और जो ये लेटर है साथियों, ये लेटर जो है आप अपने गांव से जो है आप प्रस्ताव पारित करवा करके जो है मेरे पास भेज सकते हैं। देख सकते हैं प्रधान जी ने दोबारा फिर जो लेटर भेजा है कि जो वो लेटर भेजने वाला सिलसिला था वो जारी रखना साथियों, तो इसीलिए आप जो है आप अपने गांव से जो है ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित करवा करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि मैं जो है आगे प्रधान जी को फॉरवर्ड कर सकूँ और लगातार जो है कार्रवाई की जा सके। देख सकते हैं आप, उन्होंने मेरे पास मैसेज किया है, ये जो है प्रोफॉर्म भेजा है और कहा है कृपया अपनी PHC के अंतर्गत आने वाले गांव के सरपंच से इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर और मोहर लगवाकर भिजवाना, कष्ट करना, ताकि बचाने की मुहिम को, पदों को बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथियों ज़्यादा साथी जो है अब अपने गाँव से जो है प्रस्ताव को पारित करवा करके मेरे पास भेजना, कष्ट करें और जल्द भेजें, ताकि मैं जो आगे जो है कार्रवाई करवाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूँ, अपनी तरफ से जो है पुरजोर कोशिशें कर सकूँ और प्रधान जी भी जो पुरजोर कोशिशें कर सकें। तो प्रधान जी को जो है आपके द्वारा भेजे गए लेटर को जो है तुरंत भेजने का कार्य करूँगा। तो आशा करूँगा कि सभी साथी जो है जल्द जो है इन प्रस्तावों को पास करवाएं, जिन जिन गाँव से प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो प्रस्ताव पास करवा करके मेरे पास भेज दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा ज़रूर शेयर किया करो, ताकि जो आपकी आवाज़ जो है जन जन तक पहुँच सके, सभी तक जो आवाज़ पहुंचे, कर्मचारियों तक, आम जनता तक और जो सरकार जो नुमाइंदे हैं, चाहे MP है, MLA है या पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री महोदय हो, कोई भी हो, उन सभी तक जो है वीडियो को पहुंचाने का जरूर कष्ट किया करो और ज़्यादा साथी जो है अब अपने ग्रुप में जो है शेयर किया करो वीडियो को। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है, फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक हमारे चैनल साथ बने रहिए और देखते रहिए रियल इंडिया, आपका अपना चैनल। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।